तो ये हमारे पास आ गए हैं, इनकी बहुत ही जरा नवाजी है कि हमारे बुलाने पे आ गए। एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर, एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर जिन्होंने काम अपना मनवाया और फिर किसी सुस्ती की वजह से इन्होंने नहीं आगे उसको बढ़ाया। हम इस पे बात करेंगे इनसे। बहुत सारी तालियां फॉर द वन एंड ओनली अहमद जाज़ी। सितारा सीजन कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं जिन्हें कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन। अच्छा आजकल के हालात ऐसे हैं कि जब भी रात को गाड़ी चला रहे हो और अगर कोई आपके बराबर में आके मोटरसाइकिल पे खड़ा हो जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? सुनिए कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन। प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। अहमद भाई, तो ये बताएं कि जो मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारे यहाँ अब तो खैर माशाल्लाह सभी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने तो माशाल्लाह एक्टिंग से स्टार्ट लिया और सिंगिंग भी साथ साथ, फिर आपने इतनी सुस्ती क्यों दी? सुस्ती क्या वजूहत थी? सुस्ती की वजूहत ये है कि इंसान को बहुत सारे जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं और स्पेशली आफ्टर एक होता है ना, जब आप लाइन में बहुत ज्यादा होते हैं तो हर दूसरी चीज आपको सोना लगती है। आपको लगता है कि आपको ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। बट मैं ये समझता हूँ एक्टिंग और सिंगिंग ये दोनों अलग अलग पहाड़ हैं। बिल्कुल। अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं तो फोकस करें सिंगिंग पे, बिकॉज सिंगिंग चलते फिरते नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसके लिए बड़ी डेडिकेशन की जरूरत है। मैं अभी किसी को भी माइक दूंगा तो वो फौत हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, फौत हो जाएगा। फौत है। एक काम है जो सुर का, तो हमें मुझे पता है कि मेरी कितनी मेहनत लगी है और जो आज भी अगर अल्लाह ताला ने छोटा मोटा भी नाम दिया हुआ है तो वो यही है कि मैंने इसके पीछे काफी हार्ड वर्क किया। एक्टिंग जब करने पे आया था तो फिर सारा फोकस यही था कि बस एक्टिंग करनी है, तो अब गाना नहीं गाना। तो मैं उस वक्त खैराबाद गाने को कह चुका था तकरीबन एक्टिंग के अंदर, और फिर मैं लगा रहा, इतनी सारी चीजें आती रही। फिर आई हैड टू कम बैक बिकॉज़ बॉस ये गाने का कीड़ा जिसको है तो वो कीड़ा कभी मरता नहीं है। आपको बिल्कुल सही बात है। मैंने सुना स्कूल के टाइम से माशाल्लाह शुरू हो चुके थे। हाँ, स्कूल के टाइम ये होता घर के अंदर जब आप अपने बच्चे के ऊपर वो नजर रखते हैं ना कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप आइडेंटिफाई और आपको सही ग्रूमिंग मिल जाए तो फिर वो कहीं जाके मुल्क में अपना नाम करता है। अगर आपको घर में वो सपोर्ट ना मिले तो बड़ा मुश्किल होता है आजकल के जमाने के बच्चों को ये स्पेशली। जैसे अभी आपने इतने बैठे बैठे दाह कर दिया। हाँ, बात ये कि अब तो वो वाला सीन हो गया ना कि आवाज दी आपने, हाँ यार जरा दा आउट रहा है घुमा दे, ऐसे घुमा दे, जमाना आ गया, दा ठीक हो जाता है। तो ये जो माशाल्लाह हमारे गंदी लोग रह गए जो बाकायदा दा कर सकते हैं। हाँ, अपने बलबूते पे। हाँ, मगर प्रॉब्लम यही ना कि आपने शुरू में बोला कि वो लोग जो लाइव सिंगिंग नहीं कर सकते, हाँ जी, अपने ही गाने नहीं गा सकते लाइव, तो कहीं पकड़ाई होती है और ऐसी बुरी पकड़ाई होती है कि बस आपको मैं बता नहीं सकता कि होती तो हाँ, है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कहीं होती है घूम फिर के आया तो मेरे साथ हमारी टीम में भी कुछ थे लोग ऐसे जो सिंगर्स हैं और माशाल्लाह लोग बड़ा पसंद करते हैं। जब उनसे कहा गया कि जरा एक जुमला या एक दा कर दें तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने दा नहीं होगा, उन्होंने दा की जगह ना कर दिया। ऐसा ही है।